जी साथियों, जब हम बात करते हैं बीएड और पीटीसी का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके साथ ही तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं, खासकर वीडियो पर हमारे और अन्य लोगों के जो कमेंट है उसके आधार पर हम आपके सामने वीडियो सेशन लेकर आए, जहां पर आपके बहुत सारे सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा, बिहार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने सीटेट के जो परिणाम की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसे जारी करने से रोक दिया, इसके बहुत सारे सवाल बनते हैं। इन सभी सवालों का एक एक करके आपके सामने जवाब लेकर आए। बीएड के अभ्यर्थी को भी लोग डराया जा रहा है, डर उनके अंदर पैदा हो जा रहा है कि सर क्या मैंने 2 साल तक प्रशिक्षण लिया, मेरा क्या होगा। बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थी भी इस बात से चिंतित है कि अब आगे क्या होगा, क्या बीएड साथ में रहेगा या नहीं रहेगा, अंत में क्या होगा। सभी बातों को एक एक करके हम क्रमारूप से बने रहेंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और आप बताइएगा आपका विचार क्या है कि आगामी शिक्षक भर्ती में बीटीसी और बीएड में क्या योगदान रहेगा, आगामी शिक्षक भर्ती में किसे मौका मिलने वाला है, दोनों को या किसी एक को, या किसी एक को अपने हाथ आने वाले भविष्य में पीआरटी से हाथ धोना पड़ सकता है, ऐसे तमाम तरह की भ्रांति। लेकिन आपका क्या रहा है कमेंट करके हमें बताइएगा, लेकिन इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। एक सवाल आप सभी के लिए है जो सबसे ज्यादा पूछा गया कि क्या शिक्षक भर्ती पर असर होगा, आने वाले उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है क्या उस पर इस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या जो हाई कोर्ट का भी सीटेट के रिजल्ट को रोके जाने की बात कही गई है बीएड अभ्यर्थियों के, क्या उसका असर यूपी पीआरटी में पड़ेगा। दूसरा सवाल है क्या यह यूपी टेट पर भी लागू होगा यह जो ऑर्डर आया है, और फिर क्या यूपी टेट या सीटेट का जो सेकंड पेपर है उस सेकंड पेपर पे भी क्या ये रोक लगी है या रोक बरकरार रहेगी। एक सवाल है क्या बीएड के बाद बीटीसी का भी भविष्य खतरे में है या डीएलएड का भी भविष्य खतरे में, किस प्रकार से खतरे में है, इसके बारे में भी बहुत सारे सवाल है। क्या इस फैसले पर पूरे देश में को मानना पड़ेगा, माने जो ये फैसला आएगा क्या पूरे देश के लोग या इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जो एक नोटिस थी, क्या इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ने वाला है। फिर आ रहा प्रश्न कि कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है, क्या बीटीसी बीएड दोनों में से कौन आगे तक जा पाएगा। जी हाँ, इस वीडियो के अंत तक अगर यहां तक बने हैं तो आगे भी बने रहेगा, इस वीडियो को सबसे पहले शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। हम एक एक करके सभी तथ्यों पर सभी पहलुओं पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती पर क्या असर होगा। जी हाँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट का में मामला ऑर्डर जिसका रिजर्व है, जिसका ऑर्डर सुरक्षित है, उसका जो परिणाम आएगा ये पूरे देश के लिए होगा, उसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होगी वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर होगी, उसमें बीटीसी और बीएड की क्या क्या भूमिका होने वाली है, क्योंकि जो केस है यह एनसीटी की जो गाइडलाइन 2018 में 28 जून को आई थी उसको चैलेंज किया गया है, उसके आधार पर 69 शिक्षक भर्ती पर भी एक प्रश्न चिन्ह होगा। लेकिन 69 शिक्षक भर्ती पर बीएड बीटीसी का मामला था, उस मामले के बाद भी 69 में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और अंत में सभी अपने अपने विद्यालयों पर कार्य कर रहे हैं और सभी अपने अपने विद्यालयों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल है कि यूपी टेट पर भी रोक है। जी हाँ, आपने देखा यूपी टेट 2021 की मार्कशीट अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हो पाई। जी हाँ, खासकर जो बीएड के अभ्यर्थी रहे हैं और जब और उसके अलावा जो बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थी थे उन्हें भी उनकी मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी अभी नहीं मिल पाई है, जो उनके नजदीकी डायट से मिलनी थी। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ही इस बात पर निर्णय हो पाएगा कि कब तक आपको रिजल्ट या मार्कशीट मिल पाएगी। तो यूपी टेट में भी यह रोक लगी है और आगे भी लगी रहेगी, इसलिए यूपी टेट अभी उत्तर प्रदेश में नई आयोजित नहीं हो पा रही और इस कारण नई शिक्षक भर्ती भी प्रभावित है। जब तक नई यूपी टेट नहीं हो जाती तब तक नई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं सपने के समान रहेगा और अभ्यर्थी दिन प्रतिदिन टूटते जाएंगे। लेकिन आप पढ़ते रहिए, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की तरफ से दबाव बन रहा है, आने वाले चुनाव से पहले एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसलिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर हम आप सभी के लिए निःशुल्क रिविजन बैच लेकर आ रहे हैं सुपर टेट का, जिसमें आप जोड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और खुद भी अपने सभी मित्रों के साथ। दूसरी सबसे बड़ी बात है आप सभी के लिए कि स्टडी विद दुर्गेश सर एक और यूट्यूब चैनल है, जहां पर जाकर आप सुपर टेट के सभी वीडियो निःशुल्क दे सकते हैं, पूरी क्लासेज आपको डे बाय डे वहां पर क्रम से मिलती रहेंगी, जिसकी टाइमिंग और क्लास की लिंक टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। बीएड के बाद बीटीसी का भविष्य खतरे में, नई शिक्षा नीति के बाद आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति जिस तरह से पूरे देश में लागू होता चला जा रहा है, उससे एक बात और सामने स्पष्ट आ रही है कि क्या बीटीसी के बाद बीएड के बाद बीटीसी का भविष्य खतरे में। आपने देखा होगा जितनी तेज गति से भी हाल में कॉपी जची है, बीएड बीटीसी के अभ्यर्थियों का जिस तरह से मूल्यांकन के बाद रिजल्ट रहा है उससे अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं बीटीसी डीएलएड करने का जो रुझान था वो तेजी से कम होता जा रहा है। लेकिन आने वाले जो भविष्य है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर बीएड बीटीसी को समान एक साथ पीआरटी में मौका मिलता है तो सभी
अभ्यर्थी बीटीसी की जगह बीएड करना चाहेंगे, क्योंकि बीएड करने के बाद कक्षा एक से लेकर पांच तक, छह से लेकर आठ तक, टीजीटी, पीजीटी, नवोदय विद्यालय आदि भर्तियों में वो आवेदन कर पाएंगे, इसलिए वो बीटीसी की जगह डेलेड जगह बीएड पर आश्रित होंगे, बीएड करना चाहेंगे। इस प्रकार आने वाले समय में डीएलएड और बीटीसी खतरे की राह से गुजर सकता है। यह परिणाम सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इस बात पर भी निर्भर करेगा। अगला सवाल है, क्या यह फैसला पूरे देश के लिए मान्य? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये पूरे देश के लिए मान्य होगा, 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। और उसके साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती, आने वाले शिक्षक भर्ती पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कोर्ट का फैसला क्या होगा, एक सबसे बड़ा सवाल है कि एनसीटी की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के आधार पर देखा जाए। बहुत सारे ऐसे जो तर्क हैं, एविडेंस है, उसके आधार पर यह बात निकाली जा सकती है, कही जा सकती है कि अपने अपने हिसाब से कि बीटीसी और बीएड का भविष्य क्या होगा। मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर, चाहे इस वीडियो को इलर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर, कहीं भी आप देख रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि अब क्या होने वाला है, क्या फैसला हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं सर 90 दिन के बाद ऑर्डर डिलीवर हो जाना चाहिए। देखिए अधिकतम समय होता है 90 दिन, उसके बाद प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा सकता है कि माय लॉर्ड ऑर्डर को जल्दी डिलीवर किया जाए, किंतु जजमेंट को जल्दी सुनाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है, वह किसी भी फैसले को अनिश्चित काल के लिए भी अपने पास, मतलब कोई इसका निश्चित समय नहीं है, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। कोई कह नहीं सकता 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उसके बाद उन्हें ऑर्डर देना ही होता। ये ऑर्डर के ऊपर है और माननीय मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, इसलिए इस पर किसी प्रकार से टिप्पणी नहीं करना चाहिए और टिप्पणी से बचना भी चाहिए। तो जितने भी साथी लोग इस वीडियो को देख रहे थे वो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल था, उन सभी सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिल गए। और इस वीडियो को अपने मित्रों को पहुंचाएं, अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपकी क्या राय है आने वाले भविष्य को लेकर, आपकी तैयारी कितनी है। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि आने वाले समय में एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। हम ही आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात के लिए बैठे हैं कि भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे। अभी आपने केवीएस में देखा कि एक भर्ती आने के बाद 90 से 80 दिन के समय में पूरी प्रक्रिया हो जाती है, परीक्षा हो जाती है, आदमी पढ़ेगा, रिविजन करेगा। अच्छे अच्छे मेधावी अभ्यर्थी हैं जो रेस से बाहर भी हो गए, कुछ ऐसे भी हैं जो 115, 120, 122, 125 स्कोर आने के बाद शेप और अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं, उनके भी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। उनके भी क्योंकि जो परिणाम आएगा, क्योंकि न मुझे पता है 105 वाला होगा, 80 वाला होगा, 90 वाला होगा, 145 वाला होगा, लेकिन केवीएस का जो परिणाम आएगा वो आश्चर्यजनक होगा और आपको देखकर भी आश्चर्यचकित होगा इसकी मेरिट कहां तक चली गई। क्योंकि अंतिम चयन जो होगा वह सभी के लिए माने रखता है। उनका होगा क्या, जिनके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से जिनका सिलेक्शन रुकेगा उनकी आत्मा पर क्या बीतेगी, उनको यही लगेगा काश उन्होंने थोड़ी मेहनत थोड़ी पहले से शुरू की होती तो आज यह दिन देखना ना पड़ता, वो भी सिलेक्ट होकर अपने परिवार, अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर रहे होते। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, कहीं भी पढ़िए, किसी से पढ़िए, पढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होती है, पढ़ना आपको है, अपनी किताबें खरीद लीजिए, अपनी कॉपी फिर से निकालिए और फिर से शुरू हो जाइए, तब तक के लिए जब तक आप अंतिम रूप से सिलेक्शन ना हो जाए। क्योंकि जो वीक जोन है उसे स्ट्रॉन्ग करिए, जो स्ट्रॉन्ग है उसे रिविजन करिए। हम भी आपके लिए निःशुल्क बैच लेकर आ रहे हैं जो आप खुद पढ़ सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, जिसकी टाइम टेबल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए इलानी भी दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद प्रत्येक क्लास की लिंक आपको वहां पे मिलती रहेगी। फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, और आपका कोई व्यक्तिगत सलाह हो तो इलानी भी दुर्गेश इंस्टाग्राम पे अपने सवाल सलाह जरूर दीजिएगा, और कोई सवाल हो तो इलानी भी दुर्गेश इंस्टाग्राम पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं निःशुल्क क्लास जब भी मुझे समय मिलता है मैं पढ़ाता हूं। अगर आप भी चाहते हैं इलानी भी दुर्गेश के साथ मिलकर पढ़ाना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इलानी भी दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी अपने मैसेज जरूर छोड़िएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, यही आपकी वास्तविक पूंजी है और यही आपके माँ बाप का सपना है। खुद पे मत बैठिएगा, क्योंकि 7 से 8 लाख लोग ऐसे हैं जो टेट सीटेट पास हैं, अब तो संख्या और बढ़ जाएगी, लेकिन जब भर्ती आएगी तो 50,000, 30,000, 20,000 आएगी। सबका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन ना हो, आपका सिलेक्शन जरूर हो। यह तभी होगा जब औरों की तरह हाथ पर हाथ नहीं रखेंगे, जब खुद से आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। बाकी आप समझदार हैं, सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग खुद पढ़ते हैं दूसरों को गुमराह करते हैं, मत पढ़ो भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, लेकिन वो दिन रात पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है बिना पढ़े उनका सिलेक्शन नहीं होना, बिना पढ़े उनका पार नहीं होगा बेटा। और जब भर्ती आएगी तो समय कम मिलेगा, अभी एक ऐसा मौका है जिस समय अपने आपको बेहतर, अपने आपको बेस्ट दे सकते हैं। तो थैंक यू सभी का, मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ। प्रतिदिन अपने क्लास लेकर आ रहे हैं इलानी विद दुर्गेश
के YouTube चैनल पर और साथ ही साथ सुपर टेड विद दुर्गेश सर पर। थैंक यू सभी का, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा, आपका काम है। और कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ पढ़ते रहिएगा, पढ़ना ही आपका अंतिम सत्य है तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। थैंक यू।